वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि दोस्ती के आलमी दिन पे बात करेंगे तो स्टूडियोस में मेरे साथ बड़े खूबसूरत दो मेहमान मौजूद हैं जिनसे मेरी दोस्ती मोहब्बत प्यार और भाई वाला एक मामला है जबकि दूसरे जो साथी हैं उनसे भी बड़ा प्यार है और लेकिन आज उनसे पहली मुलाकात स्टूडियोज़ में हुई और ब्रेक में जब हम थे तो ऐसे ऐसे चुटकले यहाँ पर चल रहे थे कि बड़ा मज़ा आ रहा था तो हम दोस्ती के हवाले से लाइटर नोट पे भी बात करेंगे कुछ दीन की रहनुमाई भी लेंगे और ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जो चीज़ें करने वाली हैं और जो नहीं करने वाली हैं दोस्ती के दायरा कार को कहाँ बढ़ाती हैं या कम करती हैं उस पर गुफगू करेंगे मेरे साथ राइट हैंड पे मौजूद हैं डॉक्टर मतियुल्ला बाजवा साहब जो कि आलम दीन हैं मीडिया पर्सन हैं डिफरेंट चैनल्स पर आप इनको देखते हैं इसके साथ साथ ये उस्वा फाउंडेशन जो है उसके चेयरमैन भी हैं और जो फलाही आ, काम है उसमें पेश पेश रहते हैं वेरी वाम वेलकम सर असल वाईक साथ आपसे बहुत पुराना है माशाल्लाह सालों अल्हार। का साथ है मोहब्बत का साथ है दोस्ती का साथ है सर तो जब मुलाकात होती है तो वो सारी चीज़ें रिवाइव होती हैं आपके आने का शुक्रिया इनके साथ मौजूद हैं कामरान जाहिद साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं लाइफ कोच हैं ट्रैवलर हैं बहुत सारी गुफ्तु इनके साथ भी होगी और इनका तारफ़ इनकी गुफगु में हमें पता चलेगा सर वेरी वाम वेलकम अस्सलाम असल वो जो ते बात ते थी कि मोटिवेशनल स्पीकर से लाइफ कोच लाइफ कोच से एक ऐसी शख्सियत जो कि ख़ुद माशाल्लाह सारे फेजिस से गुजरी है और दूसरों को रहनुमाई देती है ख़ास तौर पर जीने के हवाले से तो उस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर चूँकि दीन की रहनुमाई सबसे अहम है हमारी जिंदगी में तो दोस्ती के हवाले से ए, इस्लाम दीन इस्लाम हमें दोस्त पे क्या अहमियत बताता है इसके साथ साथ बाज तो अल्लाह का दोस्त कहा गया लोगों को और इस बारे में जो दीनी रहनुमाई है वहाँ से आगाज़ करते हैं फिर आगे बढ़ते अलहदिल्ला रबीआलमीन वसलात वल मुरसलीन अम्मा बाद सबसे पहले तो आपका शुक्रिया के दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से आपने एक दोस्त का इंतब किया वेलकम सर और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नईम नासिफ़ साहब इनसे भी हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बतों को और दोस्तियों को कायम रखें आमीन। देखें आ, इस बात से ही इस अहमियत का अंदाज़ा लगा लें दोस्ती के हवाले से कि ये आ, बड़ा ही अहम और ख़ास रिश्ता है और अल्लाह ताला ने एक शख्स से इतने इम्तिहान लिए इतने इम्तिहान लिए कि खुद फरमाएफा आत्म उन्होंने सारे इम्तिहानों को तमाम कर दिया उनको पास कर लिया और डिस्टिंगशन से पास किया और जब डिस्टिगशन से पास कर लिया तो फिर उनको खलील का दर्जा आता माशा है। माशा अपना दोस्त बनाया है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अम्बिया का नबियों में से कोई ना कोई दोस्त होता है और मेरे दोस्त जनाब इब्राहीम है माशा, माशा और माशा फिर इसी हवाले से एक बात यह भी अरसात फरमाई कि अगर मैं दुनिया में किसी को लवकुन तो मतदम खलीला अगर मैं किसी को अपना कोई दोस्त खलील बनाता तो मैं यकीन नबू बकर को खलील बनाता लेकिन वो मेरे दीन के भाई हैं साथी हैं यानी दोस्त होना इतना बड़ा काम है कि अल्लाह ताला ने जहाँ एक तो इस हवाले से ये हद जारी कर दी कि ला अदुवी व उदुआ कुम अलिया मेरा और तुम्हारा जो दुश्मन है उसको दोस्त मत बनाओ यानी दोस्ती करते हुए ये बा, इस बात का ख्याल रखो कि वो शख्स ना तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए और ना मेरा दुश्मन होना चाहिए जी। फिर इसी हवाले से मैं चूंकि वक्त के हवाले से मुझे नहीं आइडिया कि कितना वक्त है आप मैं है। के साथ जी 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 बात कर रहा हूँ दोस्ती कितनी अहम हो सकती है और दोस्त होना कितना बड़ा उहदा है इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुफ़ार मुनाफिकीन फाजिर जहनुमी जिन बातों पर पछताएँगे जिनके बारे में कुरान मजीद में से कुछ चीज़ें ऐसी आई जहाँ उन्होंने हाय काश कहा या हदीस के अंदर कुछ ऐसे मामलत मिलते हैं तो कुरान उनमें से एक जुमला ये भी आपके सामने रखता है कि ये शख्स अपनी नाकामी और जहन्नम जाने की वजूहत में से और वहाँ के पछतावों और अफसोस में से एक अफसोस और एक पछतावा इस अंदाज से कहेगा या लैता लम अ तख फ़ुलनान है काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया हो अल्लाह क्योंकि दोस्त इंसान का रास्ता मुतिन करता है दोस्त इंसान की लयर है मैं शायद बाद लोग इससे जो है वो मुतफिक ना हूँ मैं समझता हूँ कि आ, वो शख्स जिसके पास दोस्त हूँ मुखलिस दोस्त वो शख्स इस ज़माने में सबसे अमीर है वो इस ज़माने में सबसे खुशहाल है जी और वो इस ज़माने में खास तौर पे ये जो इस वक्त मादियत का मारा हुआ ज़माना है जमाने से मरा अल्लाह ताला के हवाले से नहीं है ये लोगों के हवाले से है वो शख्स जो मादियत में फंसा हुआ इस सूरत हाल में गिरफ़्तार इस दलदल में उतरा हुआ है उसके लिए वाहिद जो सहारा है दुनिया में अल्ल तक उसके लिए कुछ आसानी और ख़ुशहाली जो किसी भी शख्स को माल और उसकी जायदाद हैसियत से बढ़कर अलग से एक हैसियत हासिल है उसका दोस्त होना है किसी का अच्छा दोस्त अल्लाह के नबी नबीम क्यों अपने दोस्त को अच्छा कहते हैं और क्यों हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की दोस्ती पे नाज कर रहे हैं क्यों उनको हर मौके पे याद करते हैं क्यों ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको उनके साथ ही हजरत का सफ़र करने का हुक्म दिया और उन तक उनको रोक के रखा बकर रज़ी अल्लाह तआला कई मरतबा आए कि लोग चले गए हैं सबके सब मैं भी चला जाता हूँ मुझे भी इजाज़त दे दे मुझे भी यहाँ नहीं रहना है हालात तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं लेकिन आप उनको कहते हैं कि अभी रुको अभी रुको अभी रुको हो सकता है कि अल्लाह ताला कोई और फैसला कर दे और वो फैसला क्या था कि आप दोनों इकट्ठे निकलेंगे और दोनों अपने अपने खानदान पीछे छोड़ के निकलेंगे और दोनों अकेले निकलेंगे और फिर दोनों को अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में साहिब कहा है साथी जी ये साथी होना दोस्त होना बहुत बड़ा एज़ाज़ है बदकिसमती के साथ हमने इसको सही तरह से समझा नहीं हमारे यहाँ इसके वो तसरत और तस्वरत पैदा हुए और समझते हैं कि शायद दोस्ती जो है मुफादात के साथ होती है और हमें ऐसी ऐसी, ऐसी बातें भी हमारे साथ चूँकि मोटिवेशनल भी हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं इन कामयाब लोगों को बनाएं इनकी ये बात देखें वो बात देखें अल्लाह तक ने अगर किसी चीज़ को देखने का हुक्म दिया और नबी पाक से उसकी खबर दी हदीस की सूरत में तो वो सिर्फ ये है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि वो किसको दोस्त बना रहा है Beautiful. इस पर वो जरूर गौर फिक्र कर ले ताकि दोस्त बना क्योंकि आपके पास ऑप्शन है देखिए आपके पास रिश्ता है आप माँ और बाप नहीं चुन सकते आप बहन और भाई नहीं चुन सकते आप खाला और मामू नहीं चुन सकते चचा और दीगर रिश्तेदार आप नहीं चुन सकते लेकिन दोस्त चुनने का इख्तियार आपके आपके पास पास चॉइस और आपको चॉइस उन उस जबते के मुताबिक रखना चाहिए जिस जब्ते का अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया, ठीक दिया। है आ, कामरान साहब बड़ी देर से हमारी गुफ्तु सुन रहे हैं और जैसे भी बाजवा साहब ने आपको मुखातिब भी किया गुफ्तु में दोस्ती तो आपको पता है सर आपसे बेहतर कौन जानेगा दोस्ती आपने खुद से की और ज़िंदगी जी के दिखाई आपने माशाला अल्लाह तब को ज़िंदगी से दे दोस्ती एक अनमोल रिश्ते का नाम है जैसा अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं दुनियावी तौर पर अगर हम आएँ जैसा प्रैक्टिकली जो लाइफ में हम चीज़ें करते हैं मटेरियलिस्टिक दौर में कि दोस्त के साथ जो वक्त गुजारने की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है और इस पर जो शख्सियत पे जो असरात आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इससे आगाज़ फरमाइए इसमें में मैं, आ, मैं जो गुज़ारिश करता हूँ ये कि आपकी जो दोस्तियाँ हैं वो आपकी अपनी ज़ात की एक्सटेंशन है जी ये टू वे प्रोसेस है आप ले भी रहे होते हैं चीज़ें और दे भी रहे होते हैं।, भी रहे हैं अच्छा कुछ लोग होते हैं जो अपने माहौल पर असरानंदाज होते हैं ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हम अपनी जिंदगी में जो लोग देखते हैं अमूमन हम लोगों पर हमारा माहौल असरअंदाज हो रहा होता है इसमें जो सबसे पहला काम करने का जो मैं समझता हूँ वो ये कि आप सब अपने दोस्त को अगर कोई सबसे अच्छा तोहफा दे सकते हैं तो वो ये कि आप अपने किरदार पर काम कर लें जी पर्सनैलिटी कपड़े जूते रख रखाव बोलना चालना ये एक आउटकम है उस पूरे किरदार की उसकी मिसाल अगर मैं दू तो किरदार ऐसे है कि जैसे जड़ें और पर्सनैलिटी ऐसे है कि जैसे दरख्त है तो उसके तने हैं फूल हैं और जड़ें मज़बूत होंगी तो वो फूल बराबर भी होगा और उस पर फल भी लगेगा तो जो सबसे अच्छा काम किया जा सकता है वे कि अपने किरदार पर काम कर लिया जाए ये उस दोस्त को सबसे अच्छा तोहफा है जो कि आप दे सकते हैं मती साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपको दोस्तों के इंतख्य में बहुत एहतियात करनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें साथ ही एक ये काम करने का भी है क्योंकि मैं मेरा मेरा जो परस्पेक्टिव है वो ये होता है कि एक बड़ा सर्कल होता है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ़ कंसर्न या उसका हम अगर उर्दू में कहते कहते हैं दार फिक्र ऐसा क्यों नहीं हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ हालात ऐसे हो गए उसने मुझे यूं कह दिया असल में इसकी वजह से हालात खर, असल में तो मीडिया ने हमारे बच्चों को खराब कर दिया जितने भी हैं शामिल कर लें वो चीज़ें अच्छी ये दायर फ़िक्र में रहना बुरी बात नहीं है यानी इसका मतलब ये अगर आप बिल्कुल ही दायर फ़िक्र से बाहर निकल जाते हैं और आप बिल्कुल ही आज़ाद हो जाते हैं तो उसका मतलब है तो आप बिल्कुल ही बेपरवाह हो गए ना जो कि किसी भी संजीदा इंसान को जेब नहीं देता दायर फ़िक्र बड़ा होता है उसके अंदर एक छोटा दायरा है हम कहते हैं दायर असर आप कर क्या सकते हैं एक तरीकाकार तो जिस तरह से बाजू साहब ने जिक्र किया बात बिल्कुल सही है कि मैं अपने दोस्तों के इंतख्य में ये वो रोल है जो मुझे अल्लाह ने सिलेक्शन दी है मैं दोस्त उठा भी सकता हूँ ड्रॉप भी कर सकता हूँ उसका क्राइटेरिया होना चाहिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मैं किस बुनियाद पे दोस्तों को उठाऊँगा किस बुनियाद पे उनको ड्रॉप करूंगा ये बात जरूर है और दूसरा ये भी कि जैसे हम ये ढूंढते हैं कि हमें अच्छा दोस्त मिल जाए तो हमारे उस्ताद ही कहते थे कि वो काम जो तुम चाहते हो कि दुनिया में हो जाए वो खुद करना शुरू कर दो किसी एक की तो परेशानी हल हो वो कहते तुम खुद ठीक हो जाओ दुनिया से एक बदमाश तो कम हो तो अगर हम खुद अपने किरदार पे काम करना शुरू कर दें चाहे वो अल्लाह ताला से ताल्लुक का मामला है सीरत से पढ़ने का मामला है अपने इंटेलेक्ट पे काम करने का मामला है अपने फाइनेंस पे काम करने का मामला है जो भी रोल्स हमें दिए हैं तो हो सकता है कि हम अपने दोस्तों के साथ बेहतर होना शुरू हो जाए टाइम का जहाँ तक हमने जिक्र किया कि दोस्तों के साथ वक्त कितना देना जरूरी है जी अब ये एक अहम सवाल है जो कि जैसे आजकल का जो माशरा और जो हंगामा और जो बरपा है उसे मैं समझता हूँ कि वक्त की मकदार से ज़्यादा वक्त के मैार का अच्छा होना बहुत जरूरी है ये असूल हमारी फैमिलीज़ भी इंप्लीमेंट होता है यानी हम चूँकि लाइफ कोचिंग करते हैं तो उसमें मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सबसे पहला रिश्ता जो था वो मियाँ बीवी का दिया जब आदम और मनबू साम को पैदा किया गया तो सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का दिया गया दोनों क्या हमारी बीवियाँ या हमारे शोहर यानी हमारे जो स्पाउजेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हमारे जो शरीक हयात हैं जो कि हमारी हयात में कमी शरीक होते हैं तो क्या वो हमारे अच्छे दोस्त हैं जी कहानी यहाँ से शुरू होती है क्या मैं क्या मेरी मेरे बहन भाइयों के साथ दोस्ती है क्या मैं उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करता हूँ क्या वो मेरे साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं क्या मैं उनको क्वालिटी टाइम देता हूँ दोस्ती ताल्लुक़ का नाम है अगर मैं ताल्लुक अपने बीवी बच्चों से नहीं बना सकता तो किसी और से तो छोड़ ही दे कि मैं बना सकता फिर क्या बनाऊंगा मैं ये yes. पॉसिबल ही नहीं जी अच्छा ताल्लुक की बुनियादें ताल्लुक़ किस बुनियाद पर बनाया जाना चाहिए सीखना चाहिए तो उसमें क्वालिटी टाइम का दिया जाना बहुत ज़रूरी है टाइम यानी और क्वालिटी टाइम की दो तीन निशानियाँ पहली निशानी ये कि जब आप उसको वक्त दें तो एजेंडा उसका होना चाहिए आपका नहीं अगर अगर आप उसको वक्त यस मैं आपसे मिल रहा हूं, या खुद अपने बच्चों के साथ या अपनी अहलिया के साथ जब हम बैठते हैं उनको कहते हैं फला काम हो गया और फला क्यों नहीं हुआ और फला रिश्तेदार आया था और बच्चों से पूछते हैं कि होमवर्क हो गया या नहीं है, दोस्तों से पूछते हैं यार मेरे असल में आज दफ्तर में ये मसला हो गया था फला बंदा फायर हो गया तनख्वाह नहीं मिली और यानी सब मेरा है तुम्हारा तो उसमें कुछ नहीं आ रहा अगर आप अगर आप इस ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप वक्त दे नहीं रहे आप वक्त ले रहे ले रहे हैं क्वालिटी टाइम की पहली निशानी ये है कि आप उसको क्वालिटी क्वालिटी टाइम का मतलब ये कि एजेंडा उसका होना चाहिए जी अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए चाहे आपके बस वक्त महदूद है ये बात दुरुस्त है कि आप बैठ के घंटों नहीं जाया कर सकते मुमकिन नहीं है करने भी नहीं चाहिए लेकिन उसको ये एहसास ना हो कि ये अर्जेंस अर्जेंट सिचुएशन है होता है ना मुलाकात करते हैं अच्छा यार जमीर साहब यार में ना पंद्रह मिनट है मेरे पास जल्दी जल्दी में बस वो सारे पंद्रह मिनट है जरा बताएं आप तो पहली जब सेंस ऑफ अर्जेंसी जब डेवलप हो जाती है तो आप अपनी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस नहीं कर पाते ये बात दुरुस्त है कि जब चौदह मिनट हो जाए तो आप बता दें कि इंसान बहुत माजत आज मैं आपको एक मिनट मेरे पास और है हम इस गुफ्त को याद रोकते हैं और अगली निश्चित में हम इस मौजू पर गुफ्तू करेंगे तो वो फिर अगली निश्चित आए वो आना भी जरूरी है वो अगली निश्चित आना जरूरी है उसके लिए <laughs> हमारे पास कोई हमारे को टाइम टेबल बना होना चाहिए कोई टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कोई कोई तरतीब में हो चीजें तो वो आ पाएगी वरना नहीं हो पाए ठीक है ठीक है ये भी क्वालिटी टाइम और फिर दोस्ती पर सारी चीज़ें और वो दोस्ती सिर्फ ये नहीं है कि आपके दोस्त अहबाब हो आपकी बेटर आप जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं आपके रिलेटिव आपके बच्चे आपके वालदेन बहुत से लोग इसमें आपके रिश्ते शामिल हो हैं सर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा जो इंसान अपने दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है सर मैन इज़ नोन बाय बायस कंपनी वाली जो हम बात करते हैं जो दीन इस्लाम में अच्छी सोबत की बहुत अहमियत पे जोर दिया गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने दोस्तों की चॉइस जैसा आप फरमा रहे थे पहले भी चॉइस सिलेक्शन देख के करें या जो दोस्त मिल जाते हैं फिर उनको हम ठीक करने की कोशिश करें क्या रहनुमाई मिलती है देखें आ, दीनी एतबार से इवन आप दुनियावी एतबार से भी इसको देखें तो इंसान अपने दोस्तों में पिक एंड चूज़ तो करता है जी मासव रसूल वसलम की आपके सारे मामलों की पिक एंड चूज़ अल्लाह तला ने की है बेश लिहाजा इसी बुनियाद पर हम आपके साथियों को जब देखते हैं तो ये इतफ़ाक़ी या अजमाई मौकफ़ है कि अल्लाह ताला ने जो कायनात में सबसे बेहतरीन दिल और बेहतरीन लोग थे वो चुनकर अल्लाह ताला ने ख़ुद आपको अताफ़रमा हालांकि आप चाहते थे कि फ़लाँ फ़लाँ लोग भी आ जाएँ लेकिन अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक वो लोग नहीं आ सके और वो आपकी दोस्ती में आ, आपकी सोहबत में आ, सोबत को इख्तीर नहीं कर सके या सहाबियत का शरफ़ जो है नहीं पा सके सोहबत का ताल्लुक इंसान की क्यों ये जो तारफ़ है वो क्यों होता है हम रसूल वसम की ज़िंदगी है आपके सामने उसके मुख्तफ़ फेजेज हैं जी मुख्तफ़ कैफियात हैं आप कहाँ से जानते हैं आप देखिए नबी पाक के जो साथी हैं आप किसी की नमाज आप जैसी नमाज करार दी जा रही है माशा किसी माशाल्ला। की चाल आप जैसी चाल करार दी जा रही है किसी की गुफ्तार किसी का मामला हसन मामला और तमाम से आबा में नबी पाक की कोई ना कोई खुशबू मौजूद है इसी तरह मेरे से दोस्त से मेरी वजह से पहचाने जाएंगे आपके दोस्त आपकी वजह से पहचाने जाएंगे और ये भी होता है कि जब कोई बड़ी शख्सियत के साथ लोग जुड़ते हैं तो उसकी कंपनी की वजह से उसके ताल्लुक की वजह से लोग खुद भी बहतात और महदूद हो जाते हैं और ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि यार मेरे दोस्त को ऐसी कोई बात या उनको मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी ना उठाना पड़े अच्छा इसी तरह से जब अच्छा ये जो अभी बात एक हो रही थी दरमियान में वो इसमें मैं यहाँ लाना चाहूँगा ये जो दोस्ती है ये जो आपकी सोहबत है और आपका ताल्लुक है ये मफादात से बाल तर होना चाहिए अगर ये मफादात का असीर है आपका कारोबारी ताल्लुक है ताल्लुक कारोबारी तो है दोस्ती नहीं हो सकती दोस्ती नहीं हो सकती दोस्ती कुछ और है दोस्ती वो है जो आप जैसे मैं आप फील करें कि हम पांचवी छठी के दोस्त के साथ बैठे उसकी फील्ड कोई और है उसको हमसे कोई काम नहीं हमें उससे कोई काम नहीं एग्जैक्टली exactly, और हम एक दूसरे के जी बिल्कुल खैर खाए अब अच्छा जब गर्स निकलती है तो ये रिश्ता कितना मोतबर और कितना मोहतरम है और किस कदर अल्लाह के यहाँ इसका मुकाम और इसकी फुकत है कि वो शख्स जो बग़ैर किसी गर्ज के अल्लाह की र्ज़ से मिलता है किसी को और अपना दोस्त रखता है किसी को ये जो दो दोस्त बाहमी मोहब्बत करते हैं ये एक दूसरे की तरफ सफ़र जब शुरू करता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताली इस सफ़र की वजह से इसके गुना माफ़ कर देता है जो अपने दोस्त को मिलने जाता है और कोई गर्ज नहीं कोई है आप मुझसे बहुत भाला तर आदमी है नहीं तो जब आप मेरी तरफ आएंगे बड़ी है बड़ी शख्सियत की पहचान है आप को छोटा बिशारत है कि आपके गुनाह माफ हो जाएंगे ये मेरे लिए बिशारत है हर उस शख्स के लिए बिशारत है जो बगैर किसी वजह के अपने दोस्त से मिलने जाता है अपने दोस्त की मोहब्बत में उसकी तरफ जाता है और नबी पाक पाकलाम तो की जिंदगी में हम देखते हैं कि आप दिन में बात कई कई मरतबा अपने दोस्त जनाबी बकर रजी अल्लाह की तरफ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं अबू बकर के पास जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अबू बकर के पास ये जाए यह अच्छा फिर दो दोस्त जो आपस में बाहमी मोहब्बत आपस में रखते हैं और बगैर कोई गर्ज गर्ज क्या है अल्लाह राजी हो जाए मैं इसको दोष सकता हूँ आप मुझे दोष सकते हैं ये जो बग़ैर किसी गर्ज़ के सिर्फ़ लेवच ही एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं इनका मुकाम क्या है कि क्यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा किसी को साया मैसर नहीं होगा और बड़े बड़े नेकोकार लोग भी बग़ैर साय के खड़े होंगे तो उस वक्त जो सात तरह के लोग हैं उनमें से दो ये लोग भी हैं यानी एक तरह के ये दो लोग भी हैं जो अल्लाह के अर्श या अल्लाह के साय के नीचे खड़े होंगे इस वजह से कि इन्होंने बाहमी ताल्लुक़ और बाहमी मोहब्बत और ताल्लुक के खातर में अल्लाह को वजह बनाया सॉरी टू कट यू सर यहाँ पे मुझे एक वाक़ याद आ गया जी बाजवा साहब से मेरी जो कि माशा एक पुरानी संगत है पुराना प्यार है मोहब्बत है और जब आप किसी दीन की ऐसी कदावर शख्सियत के साथ दोस्ती रखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे वाक़ इस तरह से याद आता है कि आज से बहुत साल पहले इन्होंने मुझे दावत दी और मैं पहुंचा इनके घर माशाल्लाह बड़ी पुरतकल्लु दावत थी हमने बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद हम सालों नहीं मिले और जब सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई तो वो उसी नोट पे हुई बल्कि कामरान साहब मैं आपको भी शामिल करूँगा हमारी मुलाकात अलहमद्ल उसी नोट पर हुई जहां पर हमने लास्ट मुलाकात छोड़ी थी तो ये है मोहब्बत ये है दोस्ती जैसा अभी क्योंकि बड़ी शख्सियतें बात भी बड़ी है इनकी और इनका माशा अमल भी बड़ा है तो इन्होंने जैसे फरमाया कि वो दीन से मतलब जिस तरह हमारा दीन हमें रहनुमाई फरमाता है वो मोहब्बत वो ताल्लुक़ बग़ैर र्ज़ के तो सारी वही चीज़ें थी। दुरुस्त बात। तो में एक सकूँ। सवाल में वर्ष साहब जो मैं समझाऊँ वो यही कि दुनियावी गर्ज ना हो दीनी गर्ज तो हो सकती है मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ दोस्ती करता हूँ इसलिए कि मेरी तरबियत हो सके इसलिए कि मैं अल्लाह का खौफ हासिल कर सकूँ इसलिए कि एक किो सिस्टम डेवलप हो सके कि जिससे मैं अपनी आखिरत को संभाल सकूँ दुनियावी गर्ज भी हो सकती है लेकिन दोस्ती गर्ज के लिए नहीं होती नहीं मुझे आपसे कोई काम हो सकता है हम ताबाब एक दूसरे के मुआन बनने के लिए पाबंद हैं अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के साथ ताउन करने का हुक्म दिया है नेकी में ताउन करने का हुक्म दिया है ये गर्ज़ नहीं है अगर आप दोस्ती ही किसी गर्ज से लगाते हैं मिसाल के तौर पर मैं किसी पुलिस वाले से किसी मैं डीपीओ से मैं डीसीओ से मुलाकात ही इसलिए करूं और इसलिए मुख्तदर है और मुझे इससे फायदा हो सकता है, ये है दोस्ती जो तो है वो मफादत ना हो वजह दोस्ती वजह दोस्ती सिर्फ अल्लाह है इस शख्स से और देखे ना अल्लाह के लिए मोहब्बत करने में अगर आप किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं आप क्यों उससे मोहब्बत करते हैं इस आदमी को अल्लाह तार का

और वो होते होते वो दोस्ती इस तरह से आगे बढ़ती गई कि आज भी हम जब भी बैठते हैं तो हम उसी तरह से बैठते हैं कि वो दोस्ती ये वो बात है कि जिससे वो फरमा रहे हैं कि कोई गर्ज असल, नहीं थी उसमें। असल जो चीज़ है ना जो आज लोगों को समझाने की है जी। कि लोग ये समझते हैं कि शायद ताल्लुक जो है वो पिक एंड चूज वाली जो बात है उससे लोग ये समझते हैं कि शायद इस ख्याल से बनाना है कि आपको इससे क्या फायदा हो सकता है hmm. जी ये बात नहीं है ये बात ही नहीं है ये ये तो इस निसाब का हिस्सा ही नहीं On the first place ये है। नहीं, hmm. जी हाँ आपको ताल्लुक एक शख्स से आपने कायम करना है आप आपने देखा वो आपका हम मिजाज है हम नफस है आपकी तरह सोचता है आपकी तरह उठता बैठता है आपकी पसंद नापसंद यही चीजें होती हैं इंसान की आपका हाँ साहिब बिलजम भी है जो आपका क्लास फेलो है क्लासमेट है आपके साथ सफर में है आपके साथ रोज जॉब करता है कोलीग है आपका ये, ये, ये सब लोग आपके पड़ोस में रहते ये सब लोग आपको आपके करीब है लेकिन आप उसमें से दोस्त किसको चुनते हैं जो आपको खराब नहीं करना चाहता जो आपका मफाद पहले सोचता है अपना मफाद बाद में सोचता है मैं यकीन जानिए आज जब आपकी तरफ आ रहा था और मुझे रास्ते में किसी बच्चे ने आप में से इनके आ, किसी बच्चे ने फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हैं तो मैं उस वक्त इस सोच में था मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ आप मेरी चाय बनवाए मैं आ रहा हूँ बस जी मैं सोच रहा था कि आ, कितना शानदार ताल्लुक है नबी पाखसर व्लम का सर्थ। कि, सर्थ। कि आप बाज़ अव तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही सख्त इम्तहान था अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के लिए मिसाल के तौर पर आपसे दो साल बड़ा एक दोस्त हो और वो खुद कोई तकरीबन इक्यावन तिरपन साल की उम्र का हो और वो आपसे आपकी एक कमसिन बेटी का रिश्ता मांग ले तो आप किस पोजीशन पे खड़े होंगे अल्लाह ये बहुत बड़ा इम्तहान था इंतिहां। लेकिन दूसरी तरफ वरफ्तगी ऐसी है ताल्लुक ऐसा है जो दोस्त के बारे में होना चाहिए एतमाद ऐसा है कि मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं सोच सकता कुछ गलत नहीं कह सकता और नबी होना तो फिर ज़ाहिर है उससे भी आगे की बात है beautiful. उन्होंने एक लम्हा नहीं सोचा बल्कि उन्होंने कहा मेरी तो ख्वाहिशात ये हैं कि मेरी बेटी आपकी बीवी हो मेरा माल आप पे खर्च किया जाए मेरा मैं सर्थ. आपको आपका चेहरा देखता रहूं और कोई दरमियान में रुकावट ना हो सर जैसे आप अभी ये आपने बड़ी बात आ, जो कि इस एकदम मेरे जेन में चीज़ आई कामरान सर चूँकि आप पैगाम का हिस्सा भी हैं हमारे साथी भी हैं और डेफ़िनेटली हम इंडल्ज रहते हैं चीज़ों में एक दूसरे के साथ चाहे वो हमारे चैनल के हवाले से हो या ये फरमाएगा जिस अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया हम मटेरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं गिव एंड टेक के दौर में रह रहे हैं दोस्ती जैसे आपने पहले अभी फरमाया कि हम ये सोच के शायद दोस्ती करते हैं आजकल किस इससे ये मुफाद निकल सकता है ये काम निकल सकता है ये इस मौके पे काम आ सकता है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है मेरे इस काम आ सकता है ये सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन ऐसे लोग डेफिनेटली मौजूद हैं जिनसे दुनिया कायम है जो सिर्फ़ खालिस्तन दोस्ती के लिए काम करते हैं दोस्ती के लिए रिश्ता उनका होता है सोशल मीडिया का दौर है यलगार है आप किसी भी मीडियम पर चले जाएँ लाखों हज़ारों आपके फैंस हैं फॉलोइंग है दोस्त हैं लेकिन अगेन आप एंड ऑफ द डे अकेले हैं दोस्त आपका नहीं है इस पर गुस्तगुल फरमाइए इस पर हमने जब अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर तो हमने दोस्ती के एक दोस्ती का एक मैार रखा हुआ था कहते थे अभी दोस्त कौन होगा तो हम कहते हैं दोस्त वो है जो आपको जरूरत पड़े तो आपको खून दे सके आप बीमार हैं आपका कोई रिश्तेदार बीमार है वो आपको कॉल करें रात के एक बज रहे हैं या दोपहर के दो बज रहे हैं वो आए और आके खून दे और मैं आपको खून दे सकूं और मैं आपको कह सकूं कि भाई मुझे खून की ज़रूरत है अल्लाह तो हम कहते थे तो जो खून दे सके जो खून ले सके अच्छा अब अगर अब ठीक है हमारे आ, वर्किंग इन्वॉर्मेंट भी तब्दील हो रहा है कोरोना आया था उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ गए लोगों के सोचने का काम करने का अंदाज़ बदल गया मेरी अपना पर, अपना परस्पेक्टिव ये क्योंकि हम डिजिटल मीडिया के और यानी आई टी के उसके साथ बहुत सारा मुंसलिक रहते हैं मेरी और आपकी एक दोस्ती है मेरी और बाजवा साहब की एक दोस्ती है और अगर उस दोस्ती को सोशल मीडिया के ज़रिए से परवान चढ़ाया जा रहा है हम एक दूसरे की पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं एक दूसरे से कोई बात पूछ लेते हैं और ये ये तो रबते का ज़रिया है ना यानी फ़ोन है या ख़त है ये तो रबते का ज़रिया है इस इस ज़रिए में कोई बुराई नहीं है हाँ अगर इस ज़रिए को या महज वो उन क्लाइट्स की तादाद को समझ लिया जाए कि मैं ऐसा को तो बहुत को को बहुत मशहूर सेलिब्रिटी बन गया हूँ या पता नहीं इतने मेरे फॉलोअर्स हैं तो उसका मतलब मेरे इतने दोस्त नहीं हैं तो उसे बंदा एक आम सा सवाल पूछ ले कि ठीक है मैं हॉस्पिटल में हूँ मेरी बहन हॉस्पिटल में भाई भतीजा कोई भी अलाफियत फरमाए कितने लोग पहुँचेंगे वहाँ पर तो एक अब हमारा हाल इस वक्त ये है जी अमूमन कि अगर किसी की फोतरी की खबर होती है तो हमें हमारी कोशिश होती है कमेंट्स में ही इन्ना लीला अगर लिखा हुआ ना तो वही कॉपी पेस्ट कर लें हम यानी हमें लिखने की भी जहमत ना करनी पड़े तो अगर तो कोई इस तरह का आपका दोस्त है एक तो काम यह है कि मैं अपने आप को देखूँ कि क्या मेरा रवैया मेरे दोस्तों की तरफ ऐसा है कि मुझे किसी की गमी की खबर मिलती है तो पहले मैं किसी का कैसा दोस्त दुरुस्त। दुरुस्त। ब्यूटीफुल तो तो थ्रू उस दोस्ती को परवान चढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं बहुत अच्छी बात है अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी दोस्ती या जिनसे हमारा दोस्त कौन होता है दोस्त वो होता है समझता हूँ दोस्त वो है जिसे आप अपना हाल दिल कह सके दोस्त वो है कि जिसके पास आप बगैर गर्ज़ के जा सकें जो आपके पास बगैर गर्ज के आ सकें यह है दोस्ती और जब आप उसके साथ बैठे हों तो ठीक है आपको वक्त का ख्याल भी रखना चाहिए फैमिली का ख्याल भी रखना चाहिए लेकिन फिर उस वक्त गर्मी है या सर्दी है या खाना खाया है या नहीं खाया आप इससे बुलंद हो जाएं इन टाइम एंड स्पेस की कैद से मैं समझता हूँ वो है आपकी दोस्ती तो अगर तो वो उसको परवान चढ़ाया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर सिर्फ उस जरिए को ही सब कुछ समझ लिया जाए और उसकी जो फेक सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग और लाइक्स हैं

कोई इस तरह की ये नहीं, आप कर सकते हैं और उसमें जो मैं समझता हूं कि अच्छा तरीका उसका ये हो सकता है आपका जो विजन है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं और इंसान का एक, एक मुसलमान अच्छा विजन क्या हो सकता है कि वो जन्नत में चला जाए और मेरा दोस्त ऐसा हो जो मुझे उस सफर में मेरा हराही हो जाए और मुझे लेके चले मुझे आप जिम करते हैं ना तो आपका बड़ी आपको कहता है कि यार थोड़ी सी हिम्मत लगा ले हिम्मत कर सकता है जब वो डाउन होता है तो आप उसको पुश करते हैं तो वो उस जन्नत के रास्ते में मुझे मेरा दोस्त हेल्प कर सके और जहाँ वो फंस जाए तो मैं उसको हेल्प कर सकूँ सर इस दोस्ती पर एक चीज़ मेरे जहन में आती है बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द भी होंगी लोग साल साल इकट्ठे रहते हैं बड़ा प्रूव करते हैं दोस्ती का अच्छा बुरा धूप छाओ गर्मी सर्दी बैड पैच गुड पैच रिलेशनशिप सेक्रीफाइस सारा कुछ होता है और एंड ऑफ द डे कभी ऐसा होता है कि वो अजनबी हो जाते हैं ये कैसे दोस्त होते हैं सर उनको दोस्त नहीं कहना चाहिए उन दोस्ती जैसे उन्होंने जिक्र किया ना साहब ने बहुत अच्छी बात की बल्कि मैं चाहूँगा कि सवाल भी उनसे करूँ कि आपकी इसी बात से निकलता है कि वो कैसा दोस्त होता है कि नहीं बाज़ साहब आपने जैसे कहा कि हज़रत इब्राहिम सलाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि किचुअली अल्लाह ताला ने उनको खलील का लकब दिया तो क्या हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया अपने दोस्तों के लिए सेट करना चाहिए कि वो उसको अर्न करें उस 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 रुतबे को देखिए जाहिर है कि ये अच्छे बुरे हालात में ही पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है इंसान को ख़ुद भी नहीं पता होता कि कल उसके हालात क्या होंगे और ना वो इस बात की तैयारी करता है लेकिन बहरहाल जब मुश्किल हालात आते हैं तो ये चीज़ डिसाइसिव होती है कि जो लोग मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं आप ख़ुद भी उनकी कदर करते हैं अभी आप बता रहे थे कि आपने एक मेरट सेट किया हुआ था कि जो आपको आधी रात को खून दे सके या आपके कहने पर दिन के वक्त आके खून दे सके तो देखिए हम तो मेरिट उन्हीं को समझते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मेरिट बनाया बिल्कुल और आपकी बात अच्छी है लेकिन मुझे इससे एक क्ल्यू मिला वो क्या कि जिन लोगों ने अल्लाह के नबी ससम के लिए खून गिराया हो और अपनी औलाद को कुर्बान किया हो अपने माँ बाप को कुर्बान किया हो अल्लाह फटर तो उनकी दोस्ती या उनका जो मैार दोस्ती है वो कितना अजीम है इस बात पर सोचें लोग और फिर दायर है उसमें मुश्किल में खड़े होना और मुश्किल तरीन वक्त में अच्छा हम एक बात जो हम कुरान मजीद से ड्राइव कर सकते हैं कि दोस्त हमेशा वो शख्स है जिसको अपने से ज़्यादा आप की फ़िक्र हूँ और कुरान मजीद ने इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बकर सिद्दीक हज़ी अल्ला जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ऊपर आके खड़े होंगे गार पर और आप दोनों नीचे हैं और छोटी सी गार है जिसमें वो मुश्किल एक आदमी लेट सकते हैं एक आदमी बैठ सकता है और आप हज़रतबकर बैठे हुए हैं नबी पाक उनके उनके रान पर सर रख के लेटे हुए हैं तो आपने नबी पा को बाखबर किया कि अल्लाह के रसूल वो तो सर पर आ गए हैं तो अब तो कोई बचने की सूरत ही नहीं है जी। तो इसमें जनाब रसुल्लम ने जो तसली दी उनको वो तो अपनी जगह मौजूद है और वह तसली क़ुरान ने जो शही शा, 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 शाहिद के तौर पर पेश किया दलील के तौर पर पेश की, पर पेश की वो क्या है ला तज़न इन माना अच्छा इसमें जो हुज़न है हुज़न ये इतफाक़ल माँ के अंदर आप पूछें उला से तो वो कहेंगे कि हुन हमेशा अपना नहीं होता अपना इंसान को अपने लिए जब भी आता है मामला कोई वो कोई किसी गम का होता है दूसरे के लिए हुज़न होता है दूसरे के लिए यानी मैं और आप दोस्त हैं अल्लाह ना करे आप पर कोई मुश्किल आ रही हो तो मुझे इसका जो मलाल और हुन होगा वो मेरे हवाले से नहीं हो मेरा मुझे अपने लिए ग़म होगा और आपके लिए हुज़न होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फ़रमाया कि ला तहज़न इसका मतलब है कि तू मेरा गम ना कर हम दोनों के साथ अल्लाह है इस हवाले से हमें ये बड़ी शानदार एक यूँ समझिए रास्ता मिलता है कि आपको अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान होती है या बहुत अच्छे और मुखलिस दोस्त की पहचान या बुरा निकाल देते हैं हम दरमियान में से एक बहुत अच्छा दोस्त और एक औसत दर्जे का दोस्त इसमें पहचान कैसे होती है जब आप मुश्किल में होते हैं तो वो आपके लिए क्या करता है अब देखिए मैं इसकी एक मिसाल और आपको देता हूँ हजरत ऐशर रजी अल्लाह पे इल्ज़ाम लग गया तोहमत लगी तो अल्लाह के रसूल सल अलैहि वम ने मुख्त लोगों से बातचीत की जब मामला बहुत बढ़ गया उसमें आपने एक मशा हज़रतली रज़ी अनु से भी किया और उन्होंने आपको एक जो एक घरेलू आदमी और एक घर का फ़र्द आपकी हौसला जुई कर सकता है उन्होंने आपकी हौसला जुई की कि अल्लाह ताली ने आपके लिए बेहतरीन औरतें रखी हैं मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी मसला निकल भी आए तो आप इन शाह रहें और अल्लाह तौल आपको बेहतरीन से बेहतरीन अदा कर देगा फिर आपने हज़रत उम्र फारूक रजी अल्लाह से पूछा क्योंकि अबू बकर की बेटी हैं जी तो अब उमर रजी उ से पूछा तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने बड़ी शानदार बात की उन्होंने सवाल ये किया अल्लाह के रसूल क्या आपने आयशा को अपनी बीवी बनाने के लिए चुना था या अल्लाह ने मंतब अल्ला अकबर अल्लाह अकबर ये एक सारी बात कोई चेंज कर गई चेंज कर गई बिल्कुल बिल्कुल जब आपकी आपका दोस्त आपके बारे में इस तरह से सोचता है वो आपके गम को मैं अभी आ, सोच रहा था जब आप इधर हमारा आपस में आई कांटेक्ट हुआ है तो एकदम दोस्त वही है ना जीजी। जिसको जीजी। जीजी। देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराट आ जाती है exactly, exactly. आपको और कोई बात जहन में नहीं आती आप देखते हैं ये दोस्ती उस्ताद शकीर में भी हो सकती है मियाँ बीवी में भी हो सकती है भाई भाई में भी हो सकती है हम समझते शायद दोस्त जो है ना वो कोई फैमिली से बाहर होना चाहिए और वो बीवी तो बिल्कुल भी नहीं होगी आइडियोलॉजी एक बना ली गई है अच्छा जो लफ्स दोस्त के लिए इस्तेमाल किया है कुरान ने इंसानी दोस्तों के हवाले से वो साहिब का किया है और आ, बीवी के लिए जो लफ्स इस्तेमाल किया है, वो साहिबा जी तो इसका मतलब है बीवी सबसे पहली दोस्त होती है और दोस्ती का मैार और किसी के अखलाक का मैार भी सबसे पहले घर से मापा जाएगा और जितना आपका दोस्त और अच्छा दोस्त उसकी एक मिसाल नबी पाकसम ने दी जो मेरे जहन में आ रही हदीस उसका मैं मूम अर्ज कर देता हूँ आ, हो सकता है कोई अल्फाज की कोई कमी बेशी ना हो जाए क्या आपने फरमाया अच्छे दोस्त अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है कहा हामिल मिसक जैसे एक इतरफरश होता है खुशबू खुशबू बेचने वाला है आप उसकी दुकान में जाते हैं आप उससे कुछ खरीदेंगे तो खुशबू खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे आप ना ख़रीदें पास बैठेंगे तो जितनी देर बैठेंगे उतनी देर आप महकते रहेंगे और निकलेंगे तो जाहिर है उस महक की कुछ ना कुछ आपके अंदर भी खुशबू महसूस की जाएगी और बुरे दोस्त तो की मिसाल ऐसे है जैसे एक धोकरनी चलाने वाला यानी भट्टी जो है लोहार वो जो भट्टी चलाता है तो वो आग निकलती है उससे धुआं धुआं आपको भी परेशान करेगा आपके जिस आपके जिस कपड़ों पर मुख्त चिंगारियां भी गिरेंगी कपड़े भी खराब होंगे चेहरा भी खराब होगा और जाहिर है कि वहां बैठना भी अजियत होगा बाहर निकलेंगे तो लोग आपको पहचान लेंगे कि जनाब आप किसी सिगरेट डोश के पास से नजर आ रहा होगा बाकायदा आप किसी सिगरेट डोश के पास बैठे थे किसी नशाई के पास बैठ के आए हैं तो ये पहचाना जाएगा इसलिए अच्छा और बुरा दोस्त ये ये मैार सेट कर दिया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कि जहाँ जाके आपके नजरियात आपके ख्यालात ये फरसूदा ना हो जाएं ये माशरे के लिए सड़े हुए ना हो जाएं थी, ये थी. आपके जो नज़रियात हैं आपके जो ख्यालात हैं उसके अंदर बालीदगी आए उसके अंदर नई ताजगी आ जाती है आप किसी दोस्त से मिलते हैं मिसाल के तौर पर हम मैं आ, हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हमारे उस्ताद हैं हमारे जो डॉक्टर हमाद लखवी साहब वो दोस्त भी हैं अलहदुल्ल उनके पास बैठ के उनके पास गुफ्तू करके उनसे बातचीत करके आदमी पहले से ज़्यादा ताज़ा दम हो जाता है पह, जिन बातों में हम गम महसूस कर रहे होते हैं वो उन बातों को हमने उड़ा देते हैं ठीक कामरान साहब देखें गुफ्तु किधर से किधर चली जाती है आपके जहन में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं डॉक्टर साहब के भी जहन में तो जो फॉर्मेट मेरा है मैं घुमा फिरा के वापस वहाँ पे लेके आता हूँ हमारे वालद भी अक्सर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे दोस्तियाँ ना करें घर से बाहर ना निकलें उनके दोस्त वो चाहें कि कैसे होने चाहिए इस पर वालदान को क्या रहनुमाई देंगे आ, मेरा चूँकि बहुत ही पसंदीदा मौजूद में से एक है पेरेंटिंग खसूस जी, जी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ औलाद पैदा कर लेने से आप वालदेन के दर्जे पर फाइज़ नहीं हो जाते जी ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं वालदान के दर्जे पर फाइज आप होते हैं उनकी तरबियत करने से हमारे इस 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 अलमिये को समझने की ज़रूरत है कि हम, मेरे या आपके जो वद है उनको उनके वद के साथ यानी मेरे वद को उनके दादा के साथ या आपके नाना को आपके उनके वालद के साथ जो वक्त मिल सका और जो तरबियत उनके किरदार में आ सकी उसमें और अब का जो डिस्टेंस है और जो गैप है और कॉन्टेंट की कंजम्पशन है और चीज़ें दस्तक से आ रही उसमें बहुत फ़र्क है उन्हें शायद पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत पेश नहीं आई कभी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे मसाइल कम थे के कम साथ थे बिल्कुल वैल्यूज के साथ थे पूरा इको सिस्टम उसको सिस्टेम 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो इको सिस्टम सपोर्टिव नहीं है हमारी वैल्यूज के साथ का इको सिस्टम जिसको अता फरमा दू एक बहुत अच्छी बात है अदरवाइज हमारा जो वर्क प्लेस है वो उसकी वैल्यूज और होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हमारे जो मोहल्ले की वैल्यूज़ हैं वो और होती हैं खानदान की और होती हैं हम किसी और सेम में जाना चाह रहे होते हैं और वो पूरा एक हंगामा जो कि भरपा हो जाता है अब उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम क्यों चाहते हैं कि उसकी दोस्तियाँ ना हो इसलिए कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे या वो अपनी मंजिल मकसूद पे जहां पे हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं या वो जाना चाह रहे वहां से डिट्रैक से डी ट्रैक ना, हो, -ट्रैक ना हो जाए अब मेरा चुक, मैंने चूंकि ना हजारों तालिबे को पढ़ाया पिछले आठ दस साल में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इसाजा भी हैं वाल भी हैं बच्चे भी हैं मेरे पास ना दोनों तीनों परस्पेक्टिव हैं यानी वालदान किस तरह सोचते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा उन्हीं के बच्चे हमारे पास आते हैं हमारी मामा तो ये कहती है हमारे पापा तो ये कहते हैं कमरान भाई मैं किस मुसीबत में फंसे हुए तो हैं अच्छा मैं कहाँ चला जाऊँ तो बच्चों का परसपेक्टिव भी आता है और का परसपेक्टिव भी आता है और हमारे पास दीन का परपेक्टिव तो है इसी के इस मसले को अपने रिजॉल्व कैसे करना है तो उसमें दो काम है एक तो ये कि वालदान को पेरेंटिंग सीखनी चाहिए यानी अगर मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मेरे बच्चे अब पाँच साल के आठ साल के हो गए और मैं इनको डांट डपट के और धोस के और जैसे भी करके इनको मैं बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे पेरेंटिंग आ गई है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है नहीं है क्योंकि अगर हमने अगर हमें पेरेंटिंग आ रही है इंडिकेटर्स होते हैं ना हर काम के अगर हमें पेरेंटिंग आ रही है तो आप दस घर उठा लें किसी भी मोहल्ले के रेंडमली वो दीनदार हैं वो दीनदार नहीं हैं इला माशा अल्लाह वो लोग के जो वाक़ता दीन से उस तरह जुड़े हुए जैसे जुड़ना चाहिए महज शायर नहीं जो उसकी रूह है अगर तो उससे जुड़े हुए तो फिर तो उनके खानदान आपको अच्छे मिलेंगे मियाँ बीवी का रिश्ता भी अच्छा मिलेगा बच्चों का औलाद का रिश्ता भी अच्छा अदरवाइज हालात बहुत खराब है हालात बहुत ज्यादा खराब हल क्या है इसका कि पेरेंटिंग सीखी जाए नंबर वन उसी पेरेंटिंग में एक चीज आती है कि आपको यह पता हो कि आपने कहाँ जाना है पंद्रह बीस साल में और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं जी आपकी जिंदगी के बहुत सारे रोल्स अल्लाह ने हमें दिए हैं उसमें एक रोल ब्रेड विनर का रोल है जो मैं और आप इस वक्त क्या जी 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 एक रोल फादर और सन का रोल है ये yes. हमारे पास सोसाइटी के रोल्स हैं हमारे पास बहन भाइयों के रोल्स हैं so एंड सो सोन अपने सेल्फ के रोल्स हैं हमारा अपना फिजिकल का एक रोल है इंटेलेक्ट का एक रोल है स्परिचुलल का एक रोल है तो हमारा अपने वालदेन को ये चाहिए कि उनका अपना एक विजन हो कि वो यहाँ चाहते हैं पंद्रह बीस साल में पहुँचना और उस विजन में सपोर्टिव उनके बच्चों को वो कहाँ देखना चाहते हैं

कि आप वालदान की तरबियत जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसको आप सिखा दें कि मामला क्या हैं कैसे करना है और उसमें आप उसको कोई पहचान सिखा दें मुझे जो समझ आई क्राइटेरिया समझा क्राइटेरिया समझा, समझा, दे समझा दें किस तरह के फार्मूला समझा दें खुद उसको इम्प्लीमेंट करता चला जाए पड़ता लेकिन मैं मैं इस हवाले से महसूस करता हूँ बतौर एक बाप के भी बतौर एक उस्ताद के भी कि आपका बच्चा शायद इंटर तक भी दोस्त बनाने के उस शौर से नहीं गुज़रता या उसके पास वो शौर नहीं होता कि वो अपना अच्छा या बुरा दोस्त पहचान सके और मैं बिल्कुल एक स्टेटमेंट कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है मैं पिछले कोई तकरीबन तेरह चौदह साल से स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ एडवाइज़र हूँ अपने कॉलेज में हज़ारों बच्चे हैं उनकी सारे जो मसाइल हैं वो मेरे हाथ से गुज़रते हैं या मेरी नज़रों से गुज़रते हैं मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे नाइन्टी परसेंट अबव नाइन्टी परसेंट नंबर लेके आने वाले जब बुरे बच्चों के साथ बुरे बच्चों से मुराद वो बच्चे जिनका अखलाक बर्बाद हो चुका है और जिनके वालदेन या जिनका जो घरेलू स्ट्रक्चर है उनको चेक नहीं रखता और वो आज़ाद है जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं वो मोबाइल स्नैच कर रहे हैं वो फिलहाल जगह पर जा रहे हैं वो आवारा गर्दी कर रहे हैं वो लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं तो जल्द या बदेर वो बच्चा जो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है और बड़ा चूजी है बड़ा सिलेक्टिव है पढ़ने वाला है वो बच्चा भी जब उनके साथ बैठता है एक सेम टेबल पे और कुछ वक्त उनके साथ गुजारता है तो मैंने उसके हाथ में भी उसी तरह से सिगरेट देखा उसके हाथ उसी तरह उसने क्यों अब उसके पास शोर नहीं है इतनी सारी बाहर उसको विजन भी है कि मैंने डॉक्टर बनना है उसको विजन भी है कि मैं फलान जगह पर जाना चाहता हूँ लेकिन वो जो कंपनी उसे मिली है वो कंपनी उसको बर्बाद कर दिया है अब देखिए इसमें हल क्या है मैं समझता हूँ जो काम एक दोस्त कर सकता है Why not the father? Hmm. Oh, beautiful. Why not father can be a get good age, friend? Yes. जो G -G. काम yes. एक 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 female दोस्त एक लड़की के लिए कर सकती है, why not the mother? Mother, yes. एग्जैक्टली exactly. आप वो अगर किसी के साथ घूमना चाहता है तो आपने उसको बंद क्यों किया है आप खुद क्यों नहीं निकलते बाहर अगर रसूल चाहता है एक सवाल अगर रसूल अपनी सर्थ बीवी सर्थ को लेकर मैदान में दौड़ लगा सकते हैं रात के किसी वक्त में या किसी पड़ाव को छोड़कर अलग होकर दौड़ लगा सकते हैं अगर आप अपनी बीवी को अपने पीछे अपनी कमर पे उठाकर कंधा कंधा पेश करके कंधे पे उनकी जमीन रखवाकर उनको मस्जिद नबी में खेलने वालों का खेल दिखा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते सर सॉरी टू कट यू आप गुतु ऐसी छेड़ देते हैं मुझे वाक़ याद आ जाते हैं कामरान साहब ऐसी ही एक हमने कंपनी इंजॉय की थी मैंने और भाजा साहब ने इनके बच्चे थे मेरे बच्चे थे हमने बकायदा एक पूल पार्टी अरेंज की बाबे की पार्टी अरेंज की हमने बड़ा इन्जॉय किया तो वाई कैन नॉट बी फादर कैन ए गुड फ्रेंड तो ये वही वाली मिसाल हमें मिलती मैं है। आपको ताज़ा तरीन मिसाल अपनी आजाद की चूँकि अब बात ऐसी आई है मेरे बेटे ने वो फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो उसने अपनी माँ से शिकायत की कि बाबा मुझे दोस्त नहीं बनाने देते जी तो मैंने उनको उसको साथ दिया हम बाहर लॉन्ग ड्राइव पे निकले मैंने कहा बेटा मुझे आपके दोस्त बनाने पे कोई मसला नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तब दोस्त बनाएं जब आपको दोस्त की पहचान आ जाए जैसे बड़ी खूबसूरत उससे पहले आप मेरी आँख से माशरे को देखें और इन शह जब आप मेरी जगह पे आएंगे तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से सिक्योर करना चाहेंगे अगर लोगों ये इतना गलीज़ माहौल ना होता मैं आपको आज़ाद छोड़ देता अगर मुझे पता होता कि हर तरफ नमाज का माहौल है हर तरफ डी सारे लोग हैं है, तो हर है, तरफ खेल का, है, खेल का माहौल है अच्छे पॉजिटिव खेल का माहौल है साले माशरा है मैं आपको रोकता ही ना लेकिन मैं देखता हूँ कि तरह तरह के लोग आपके रास्ते में रुकावट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मेरा लगते जिगर मैं चाहता हूँ कि आप कम अज़ कम यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके आप अपना पिकेंट चूज़ कर लीजिएगा तब तक आप मुझे टाइम

अपना जो मैं अच्छा, मैं कहता हूँ यार असल में ना मुआरह ऐसा है और अच्छा मैं अगर काम ठीक कर रहा हूँगा तो मुझे अपने बच्चों को साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है और अगर मैं काम ठीक ही नहीं कर रहा यानी हमें पता है कि क्या काम ठीक नहीं होता तो मैं अपने बच्चों को भी साथ नहीं रखना चाहूंगा अगर मैं उसको उसको साथ रख लूँ तो प्रॉब्लम इज सॉल्व है अब मिसाल के तौर पर बाजवा साहब ने जैसे कहा मैं कोशिश करता हूँ मैं सिंस यानी माई तहदीस नहमत के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ कि इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं माई सन वॉज लाइक फोर फोर एंड अफ जब से वो माशा मेरे साथ मेरी बिजनेस मीटिंग्स में पैगाम टी वी में आना जाना वो सेट डिज़ाइन चीज़ों को सबको समझता है क्योंकि वो मेरे साथ चल रहा है अच्छा वो ऑफ एंड ऑन अब उसके साथ ना एक अच्छा रिलेशन बन गया तो उसको पता है उस मैंने अपना उसको परस्पेक्टिव भी दिया और एक ना एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की अगर तरबियत करना चाहते हैं उनको दोस्ती का क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो इस बात को समझ लें कि समझाने से पहले हमें उनको समझने की ज़रूरत है हम सकोलॉजी अल्लाह माफ़ करे हमारे करीब से नहीं गुजरी होती कभी बच्चों की सिकोलॉजी हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होती हम बच्चों की शादियां तक कर देते थे कहते हैं यार बच्चे असल में वो साहब बाजू साहब बच्चे काबू में नहीं आ रहे यार हो क्या, क्या? सीखा जाए उस बच्चे को समझा जाए अच्छा एक ये एक ये बात भी है कि जैसे हम वाले अपने बच्चों की तरबियत करते हैं इस तरह बच्चे भी हमारी तरबियत करते हैं exactly. मैं, और well आप, said, जी. मैं, और आप वालिद वाल बने जब हमें अल्लाह ने औलाद से नवाजा जी अच्छा वो उस दिन औलाद की डिजगनेशन पे और हम उस दिन वालिद की डिजगनेशन पे नवाजे गए उस दिन yes. तो वो हमारी और हम उसकी तरबियत कर रहे होते हैं और हमें सीखने की जरूरत है तो हम इसको टू हम उसको समझें उसके क्वेश्चन आंसर करें इसमें एक बहुत अच्छा एक जो मॉडल है जिसको हम जिक्र करते हैं कि जरूर हमें सीखना चाहिए वो कोचिंग का मॉडल है इसको आप लोग रिसर्च करें हमारे जो सामीन कोचिंग क्या होती है क्यों होती है कैसे होती है एक बहुत जबरदस्त बात एक आसान सा जुमला है उसमें आप सिर्फ सुनते हैं इतने सवाल हैं इतने सवाल हैं कि आप अगले का पूरी ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं और आप उसमें ना आप नहीं होते आप तुम हो जाते हैं वो कहते हैं ना कभी कभी मैं बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ कभी कभी मैं, मैं, नहीं नहीं रहता, रहता तुम, हो, जाता तो हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करें हम वो तुम हो जाए ठीक है और बचपन में ये होता है और बाद में फिर हमारी मसरूफियात तो और मिसमैनेजमेंट की वजह से फिर कर मैं मैं ही हो जाता हूँ वेरी वेल सेट सर टाइम कैसे गुजरा है बिल्कुल पता नहीं चला और ब्रेक आ गए और बार बार मुझे कहा जा रहा था कि ब्रेक लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं लग पा रही थी सो so, अगेन हम इनशाला कोशिश करेंगे कहीं ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी एक सेटिंग रखें जिससे मैं आपसे मजीद सीख सकूँ सर इसके साथ ही जनाब डॉक्टर मतियला बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद रहे इनसे मुलाकात हुई दिल खुश हो गया अल्लाह ताला आपको जजाय खैर आपसे आप आप मुलाकात करवाने के लिए नईम साहब का शुक्रिया जजाक जी जजाक और इनके साथ मौजूद रहे कामरान जाहिद साहब सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया और दो की मुलाकात मुख्तर रही लेकिन बड़ी फ्रूट क्वालिटी रहा क्वालिटी टाइम रहा अगेन योर वर्ड्स यू Uh, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके आने का ले जी दोस्ती पे हमने बात की दोस्ती हमने माशरे के हवाले से अपने कोलीग्स के हवाले से अपने दोस्तों के हवाले से अपने कोवर्कर्स के हवाले से अपने जैसे लोगों के हवाले से डिफरेंट लोगों के हवाले से माशरे के हवाले से सबके हवाले से और ऑन द टॉप ऑफ दिस अपनी फैमिली के हवाले से अगर आपके पास अल्लाह ने ऐसी फैमिली दी है जिसमें आप एयालदार हैं आप उसकी पोजिशन पर हैं आप शौहर हैं वालद हैं आपके पास ये पोजीशन है तो फिर अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए अपने घर वालों से दोस्ती कीजिए और फिर इसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लूंगा दोबारा मिलेंगे मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा